हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज हमारे सामने खड़ा है महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक मिनी, और ये VX वेरिएंट आप देख रहे हैं। जो मिनी वर्जन है टोटल तीन वेरिएंट्स में आता है, मिनी LX, मिनी VX और मिनी CNG। प्राइस स्टार्ट हो जाती है 5.94 लाख एक्स शोरूम से लेकर, और CNG वाली वेरियंट की प्राइस जाती है 6.32 लाख एक्स शोरूम। ये इसका मिनी VX वेरियंट है जिसकी प्राइस आपको 6.21 लाख एक्स शोरूम पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी का कंप्लीट वॉक अराउंड करेंगे, इसके जानेंगे सारे स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और क्या इसकी पेलोड कैपेसिटी है, क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलता है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया चाबी देख लो, आपको कुछ इस तरह की एकदम बेसिक की देखने को मिलेगी। कोई भी सेंटर लॉकिंग यहाँ पे आपको ऑफर नहीं करी जाती है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी, एकदम बेसिक सी है। 1540 mm की इसकी चौड़ाई है। 6 slats में आपको ग्रिल देखने को मिलेगी। फ्रंट बम्पर देख लीजिए मैट ब्लैक फिनिश में, और कुछ इस तरह की रेडिएटर ग्रिल आपको ऑफर करी जाती है। अंडरबॉडी देख लीजिए, एकदम ध्यान से देखो, कुछ इस तरह की अंडरबॉडी आपको देखने को मिलती है। बाकी 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये कार आपको ऑफर करती है। दोस्तों सुप्रो प्रॉफिट ट्रक, यहाँ पे बैजिंग, फ्रंट के आपके वाइपर्स, लाइट सेटअप देख लीजिए, आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस्ड सेटअप देखने को मिल जाएगा। बाकी सब कुछ आपका हेलोजन में है। नीचे देख लो, आपको फॉग लैम्प की जगह यहाँ पे ना रिफ्लेक्टर लगा दिया गया है। आप चाहो तो यहाँ फॉग लैम्प भी लगवा सकते हो, लेकिन नहीं भी लगवाओगे तो भी काम चल जाएगा। इस कार में आपको ना 909 cc का इंजन देखने को मिलता है, तो 26 horsepower आपकी जनरेट करता है। 23 का कंपनी माइलेज क्लेम करती है। बाकी साइड से देख लीजिए, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। लंबाई है 3927 mm की। ये डाला देख रहे हो, काफ़ी बड़ा डाला है और आराम से अच्छा खासा सामान आ जाता है। 900 kg की इसकी पेलोड कैपेसिटी है। रियर प्रोफाइल देख लीजिए, आपको रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। महिंद्रा का लोगो, VX की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है। पीछे डाले पे देखो, पूरा रिफ्लेक्टर है। ये रहा आपका टेल लाइट का सेटअप जो कि हेलोजन में है, सब कुछ आपको हेलोजन में है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। 13 इंच के आपको स्टेपनी देखने को मिल जाएगी, और 13 इंच के ही आपको स्टील व्हील्स में मेन टायर्स भी दिए गए हैं। बाकी अंडरबॉडी देख लीजिए, कुछ इस तरह की आपको अंडरबॉडी देखने को मिलती है। रियर व्हील ड्राइव ऑफर किया जाता है। VX की बैजिंग, डाला आप यहाँ से खोल सकते हैं कुछ इस तरह से। साइड में आपको हुक्स प्रोवाइड किए हैं रस्सी वगैरह बांधने के लिए। अगर यहीं साइड में आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक कंप्लीट साइड प्रोफाइल ऑफर करी जाती है। चैसी देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको चैसी मिलेगी। यहाँ से आप यूरिया फिलअप कर सकते हैं, देख सकते हैं लिखा भी हुआ है इसके ऊपर। बाकी बैटरी देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक्साइड की ऑफर करी जाती है। बाकी यहाँ से ना देखो, आपको शाफ्ट वगैरह देखने को मिल जाएगी। ये देखो 7 leaf spring suspension आपको यहाँ देखने को मिलता है। साइड में देखेंगे तो बॉडी पर रिफ्लेक्टर, चाबी से खुलने वाला दरवाज़ा, मैट ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स, ये रहे आपके रियर व्यू मिरर। डोर देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लगभग 90 degree खुल जाता है, बहुत बड़ा विंडो है इसमें। आपको यहाँ पे मैनुअल विंडोज़ ऑफर किए जाते हैं। ये रहा आपका ग्रैब हैंडल्स, सब कुछ हार्ड है, ये बेसिक तरीके के आपके लॉक। टायर्स देख लीजिए, कुछ इस तरह के आपको JK टायर्स ऑफर किए जाते हैं। 13 inches के टायर्स है पर ट्यूबलेस नहीं है, देख लीजिए ये आपके 13 inches के हैं। बाकी स्टील रिम्स ऑफर किए जाते हैं। ये रहा आपका फ्रंट का सस्पेंशन, यहाँ पे भी आपको 7 leaf spring suspension देखने को मिलता है। और ये रहा आपका कंप्लीट केबिन, कीज देख लीजिए, मैनुअल आपको ऑफर करी जाती है। बाकी ये रही आपके इग्निशन स्विच की पोजीशन, यहाँ से आप पावर और इको मोड में डाल पाएंगे कभी लो पावर फील हो तो। ये रहा आपका हेडलाइट लेवलर। AC के वेंट आपके क्लोज है, मतलब इसमें आपको AC देखने को नहीं मिलेगा। सीट्स में भी आपको केवल टिल्ट एडजस्टमेंट ऑफर किया जाता है, ना तो आप स्लाइड कर पाएंगे ना ही आप हाइट एडजस्ट कर पाएंगे। ये रहे आपके एक्सेलेटर ब्रेक और क्लच, ये स्टेयरिंग की रॉड। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं कैसा दिखता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिए, आपको कुछ इस तरह का ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखने को मिलता है, छोटा सा क्यूट सा है। स्टेयरिंग की बात करें तो देखो, स्टेयरिंग आपको राउंड स्टेयरिंग मिलेगा, कुछ भी लेदर वैदर रैप नहीं है, कोई भी स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं है। बीच में महिंद्रा का पुराना वाला लोगो है। यहाँ पे आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल, इधर आपके वाइपर्स के कंट्रोल। स्टेयरिंग आपका टिल्ट और टेलीस्कोपिक सपोर्ट के साथ नहीं आता है। AC और इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, एक 12 volt का सॉकेट जरूर दिया है। ये रहे आपके बेसिक से रियर व्यू मिरर। ड्राइवर साइड में आपको कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है, उधर तो आपका सनशेड भी नहीं है। ग्लव बॉक्स देख लो, कुछ इस तरह का छोटा सा ग्लव बॉक्स आपको ऑफर किया जाता है। बाकी नीचे एकदम एम्प्टी स्पेस। को पैसेंजर साइड में मुझे लगता है 2 लोग बड़े आराम से बैठ जाएंगे। तो दोस्तों इस गाड़ी के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। इंटीरियर्स बहुत बेसिक सा है। पेलोड कैपेसिटी आपको बताई दी है, 900 kg की इसकी पेलोड कैपेसिटी है।
ग्रॉस व्हीकल वेट आपका 1802 किलो का है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 30 लीटर की है, डीजल इंजन के साथ आपको ये देखने को मिलता है। इस ट्रक के बारे में आपके क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये था महिंद्रा सुप्रा प्रॉफिट ट्रक मिनी VX वाला वेरिएंट है। सही प्राइस रेंज में एक छोटा लोडिंग ट्रक लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी ये फर्स्ट चॉइस हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।